देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद डीएल बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस में भीड़ देखने को मिल रही है। देहरादून आरटीओ ऑफिस में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहां डीएल बनवाने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुबह दफ्तर खुलने से पहले ही और शाम में लोग लाइनें लगाकर जरूरी दस्तावेज बनवाते नजर आ रहे हैं। एक सितंबर से जब से यह एक्ट लागू हुआ है उस दिन से अभी तक आज तक करीब हमारे पास 11,000 लगभग आवेदन लर्निंग के लिए हुए हैं और प्रतिदिन हम 250 लोगों का यहाँ पे टेस्ट करा रहे हैं, स्क्रूटनी और जो उनका फ़ोटो खींचना और टेस्ट होना। ये करने के बाद लगभग 250 पर डे हम लाइसेंस इशू कर रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन लागू हो जाने के बाद लोगों में कहीं ना कहीं डर व्याप्त है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग आरटीओ ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं और अपने कागजात दुरुस्त कराने में लगे हुए हैं। तकरीबन एक महीने में 10,000 से ज़्यादा आवेदन अभी तक हो चुके हैं और ऐसे में माना जा सकता है कहीं ना कहीं लोगों को डर व्याप्त है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं प्रतीक पाठक, RNN TV, देहरादून।